शासन द्वारा चलाए जा रहे एंटी भूमाफिया के खिलाफ अभियान मंगलवार को नगर कन्नौज के अवैध अतिक्रमण पर शासन का बुलडोजर चला, जहां सतवास रोड स्थित दो जगहों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। पहला दुर्गा मंदिर के सामने राजस्व की जमीन पर आइसक्रीम की फैक्ट्री खोल कर कारखाना चलाया जा रहा था, तो दूसरी नगर परिषद की जगह पर अतिक्रमण कर नाश्ते होटल चलाई जा रही थी। मंगलवार को सुबह से ही प्रशासन दो अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए भारी पुलिस बल करीब डीएसपी 10 टीआई के साथ 100 पुलिस जवानों का बल तैनात के साथ दो जेसीबी लेकर और परिषद के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई की गई। दोपहर को पिछले कुछ दिनों पहले हिंदू शिक्षक के साथ वर्ग विशेष के लोगों ने मारपीट की, उनके भी यात्रा मैदान स्थित अवैध अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई में मुख्य रूप से एसडीएम अभिषेक सिंह, तहसीलदार अंजलि गुप्ता, नगर परिषद सीएमओ प्रमिला ठाकुर, नायब तहसीलदार अखिलेश शर्मा, एसडीओ पी ज्योति उमट सहित थाना प्रभारी शिवमूर्त यादव एवं बागली देवास और आसपास पुलिस थाना क्षेत्र से भारी बल बुलाया गया। कन्नौज से संवाददाता मांगीलाल मालवीय की रिपोर्ट। अभियान के अंतर्गत कलेक्टर सर के नेतृत्व अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करी है। दो लोगों का अतिक्रमण हटाया गया है जिनके खिलाफ पूर्व में थाने कन्नौज में केस दर्ज है। एक है आशिक पिता इरफान खान और दूसरे हैं पप्पू हाजी, सैयद हाजी उनका अपने नाम। इन दोनों खिलाफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई जारी रहेगी जी, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अभी जिन जिन लोगों का अतिक्रमण चिन्हित किया जाएगा माफिया अभियान उन सबके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। क्या सर, जो कुछ दिनों पहले जो है कन्नौज में लोकल घटना हुई थी उस संदर्भ में हिंदू समाज के लोगों ने ज्ञापन, उसके अलावा और भी चिन्हित करा गया है।